बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के अधिकारों को बढ़ा दिया गया है। अब से कोई भी अहम फैसला लेने के लिए उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बहुत बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के लिहाज से। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून में यह संशोधन किया गया कि कोई भी बड़ा फैसला अगर राज्य से संबंधित सरकार लेने जा रही है, चाहे वो तबादले हो, पोस्टिंग हो, उसके लिए आपको एलजी की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो थोड़ा थोड़ा आप समझ सकते हैं कि दिल्ली जैसी स्थिति है, जैसे दिल्ली में हम देख रहे हैं कि पुलिस का जो विभाग है वो एलजी के पास जाता है, जो केंद्र के पास चला जाता है, कुछ ऐसा ही आप यहां पर भी देखेंगे कि ये जो है एलजी के पास चला गया है। अगर किसी की पोस्टिंग हो रही है, किसी का ट्रांसफर हो रहा है, सरकार ये चाहती है कि ये सब होना चाहिए, तो इसके लिए आपको एलजी से परमिशन लेनी पड़ेगी। मौजूदा समय में मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के एलजी हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून जो है उसमें संशोधन किया गया और एलजी के अधिकारों को बढ़ा दिया गया है। जो तो दिल्ली के एलजी के अधिकार आप देखते हैं ना, कुछ वैसे ही अधिकार आपको यहाँ जम्मू कश्मीर के एलजी के अधिकारों की तरह दिखाई देंगे। हालांकि इस पर सियासत भी शुरुआत हो गई है। उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि अब क्या छोटी छोटी चीजों के लिए हमें एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और उससे पहले ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि किस तरीके से एलजी के अधिकारों को और ब्रॉड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। अब केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया उस पर उमर अब्दुल्ला हो गए हैं नाराज। उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि एक और ये फैसला बताता है कि चुनाव नजदीक हैं, चपरासी की नियुक्ति के लिए एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी। ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि किस तरीके से इस फैसले ने इस ओर संकेत कर दिए कि आने वाले वक्त में जल्द ही अब आप जम्मू कश्मीर में भी चुनाव देखेंगे। और दूसरी बात वो लिख रहे हैं कि क्या आप एक चपरासी की नियुक्ति अगर हम करेंगे तो हमें एलजी से भीख मांगनी पड़ेगी। यानी कि साफ साफ दिख रहा है उनके सोशल मीडिया के इस पोस्ट से कि वो नाराज हैं कि किस तरीके से ये फैसला लिया गया है कि जो शक्तियां हैं एलजी की वो बढ़ा दी गई हैं। एक ट्वीट किया गया है उनकी ओर से और इस में उसका जिक्र किया गया है कि जो ये किया गया ये साफ साफ दिखा रहा है कि किस तरीके से आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं। क्या लिखते हैं वो, अनदर 13 जुलाई इस बात का लिखते हैं। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। अमित, बहुत बड़ा फैसला है और दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इस फैसले से इस बात से संकेत तो दे दिए कि चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए आपने एलजी की शक्तियों को बढ़ा दिया। देखिए, उमर अब्दुल्ला राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे हैं और जिस तरीके से एलजी की शक्तियों को बढ़ाया गया है इस ताजा नोटिफिकेशन के जरिए, तो वो उनको ये लग रहा है कि उनकी जो राजनीतिक पार्टियां जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, अगर कोई भी चुनी हुई सरकार आएगी तो उसकी शक्तियां कम होगी और दिल्ली की तरह एलजी जम्मू कश्मीर में भी निर्णय लेने के लिए वो सर्वोपरि होंगे। तो इसी को राजनीतिक मुद्दा बनाकर उन्होंने ट्वीट करके निशाना साधा है। बहरहाल, जहां तक ये नोटिफिकेशन की बात है अनुपमा, बेहद महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है और उपराज्यपाल की शक्तियों में ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। अमित, जरा आप अगर उस अधिसूचना को विस्तार से आपने पढ़ा हो, क्योंकि आप तो कंटिन्यू कवर कर रहे हैं इसको, जरा विस्तार से कुछ चीजों को बता पाएंगे, क्योंकि दिल्ली में कई चीजों को लेकर पेच फंसता है, लड़ाई होती है सरकार और एलजी के बीच में, हमेशा एक दूसरे पर सवाल खड़े होते हैं, जरा आप पेचीदगी समझा पाए। जम्मू कश्मीर से संबंधित ये अधिसूचना जारी हुई है 12 जुलाई को, यानी कल यह अधिसूचना जारी की गई है और भारत सरकार भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई है। इसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में वित्तीय मामलों के लिए, कानून व्यवस्था के लिए और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो भी चीजें होंगी तो उसकी फाइल एलजी के सामने लाई जाएगी और एलजी की अनुमति के बाद ही यह महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। यह मुख्य जो चीज है इस नोटिफिकेशन की, यह इसका मतलब साफ है कि जो शक्तियां हैं उपराज्यपाल की वह बढ़ जाएंगी और कई महत्वपूर्ण चीजों के लिए अब उनसे उनकी अनुमति अनिवार्य होगी और इसी मुद्दे को लेकर अब राजनीतिक पार्टियां निशाना बना रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका जुड़ने के लिए। हमारे साथ में हमारे सहयोगी रिफत जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर से लाइव, उनका रुख करते हैं। रिफत, अभी आपने अमित को सुना होगा, वो पेचीदगियां बता रहे थे, लेकिन ये पहला तो ऐसी केस नहीं है। दिल्ली में सेम ही चीजें हैं और जगह पर भी सेम चीजें हैं, एलजी की बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं घटनाएं आतंक से बढ़ी जो है वो बढ़ती जा रही है। क्या आप समझ पा रहे हैं?
देखिए सपना, जिस तरीके से यहाँ पे स्टेटहुड था और उसके बाद यूटी बना दिया गया, यही वजह है कि राजनीतिक दल जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं। और आज का ये जो ऑर्डर है इसमें साफ लिखा गया है कि ये जितने भी पावर्स हैं, चाहे आईपीएस अफसर को ट्रांसफ़र करना है, आईएएस अफसर को ट्रांसफ़र करना है या प्रिजन से मुतल्लिक कोई डिसीजन लेने हैं, तो उसमें ये बदलाव किया गया है। जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का, उसमें बदलाव किया गया है और ये पावर्स अब एलजी के पास रहेंगे। तो उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि फिर जो चीफ मिनिस्टर बनेगा वो तो एक रबर स्टैंप होगा, उसके पास कोई पावर्स नहीं होंगे। तो फिलहाल जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इस पर एतराज़ खड़ा कर दिया है, उन्होंने स्टेटमेंट्स जारी करना शुरू कर दिया है और वो कह रहे हैं कि फिर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का होना क्या फ़ायदा है। और जहाँ तक आपने दिल्ली की बात की, दिल्ली का एक अलग सेटअप है लेकिन जम्मू कश्मीर एक यहाँ पे स्टेट थी और स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। तो यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डिमांड कर रही हैं कि यहाँ पे स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए और फुल स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए, क्योंकि इलेक्शन की बात की जा रही है कि शायद बहुत जल्द यहाँ पे इलेक्शंस होंगे और उससे पहले जब ये ऑर्डर आ गया तो इस पर अब राजनीति जो है शुरू हो गई है। चलिए रिफत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा फैसला है जो आज लिया गया, जो किस तरीके से इस अधिसूचना के बारे में लिया गया है।